फ्रेंड्स, अगर आप निया इमेजिनेशन पे न्यू है देन सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ एक बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से ड्रेस को छोटा किया जाता है, चाहे वो पैंट हो या जैगिंग हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी ड्रेस को हम प्रोफेशनल तरीके से, जैसे कि जैगिंग या पैंट, उसको कैसे छोटा कर सकते हैं और बाजार जैसी कैसी लेकर आ सकते हैं। तो जितनी आपको चाहिए लेंथ, उससे आप 0.25 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिएगा ताकि हम टर्निंग कर पाए, यानी कि 0.75 इंच, और फिर उतना कट कर लीजिए। इस तरीके से कट कर दिया और उसका जो नीचे का पोंचा टाइप बना होता है इसको भी फेंकेगा मत, इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, कट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो है आपका, आप पहले कच्चा कर लीजिएगा, इसको आप 0.25 इंच तक मोड़ लीजिए, इसे कम नहीं मोड़ना, अच्छे से 0.25 इंच तक मोड़ लीजिए। जो आप ये वाला नीचे का पोंछा टाइप कट करेंगे, इसको भी 0.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। और हमने करना क्या है, इस तरीके से इसको यहाँ पे टर्न किया हुआ है अंदर को, अपना जीन्स या जेगिंग को अंदर को टर्न किया हुआ है, और अब ये जो पोंछा है इसको ऊपर से लगाना है कुछ इस तरीके से, इसको अंदर को टर्न करना है और इसके जहाँ पे हमारी टर्निंग आ रही है उसके ऊपर ऊपर ऐसा रखना है, इस तरीके से ऐसा रखना है। यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा इसके आगे, जैसे कि ये हमने टर्न किया है, इतना ये कपड़ा बाहर निकला हुआ है, इसके ऊपर हमने पोंछे को, हिस्से को ऐसा टर्न किया और इसके ऊपर रखा, इसके ऊपर रखा। अब आप सिलाई करेंगे, अब आप कच्चा कर लीजिए पहले, कच्चा करने के बाद इसके ऊपर सिलाई कीजिए। इसका एग्जांपल दिखाती हूँ मैं, ये मैंने दूसरा ऑलरेडी किया हुआ है, तो कुछ इस तरीके से नीचे से दिख रहा है और ऊपर से। अब हम जब इसके ऊपर सिलाई करेंगे तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा ही लगेगा, इसके अंदर जब हम सिलाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी सिलाई और ये प्रॉपर पोंचा ही लगेगा। नहीं तो अगर आप घर पे नॉर्मल तरीके से फोल्ड करते हो तो वो मार्केट वाली लुक नहीं आती, इसलिए। तो चलिए अब हम स्टिच करते हैं। और जब हम इस ऐसे कपड़े पे स्टिच करते हैं जो कि ज़्यादा मोटा होता है, तो हमें अपनी सिलाई मशीन का बखिया थोड़ा सा चौड़ा कर लेना चाहिए। अगर आपके पास चौड़ा करने का ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसी तरीके से स्टिच कर लीजिएगा। मैं इसके अंदर रेड कलर का धागा डाल लेती हूँ और फिर इसको स्टिच करूँगी नॉर्मल स्टिच। अब मैं इसका बखिया यहाँ से बड़ा कर लूँगी, जैसे 3.5 इंच का, 3.5 पॉइंट का। आपके मशीन में ये ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल स्टिच भी कर सकते हैं। ये ध्यान रहे, बाकी का कपड़ा पीछे करते हुए मैंने अब इसके ऊपर स्टिच करना है, ठीक है जी। ध्यान से देखिएगा, आई एम स्टार्टिंग। ऐसे करके थोड़े थोड़े दूरी में आप इसको लेते जाइए और इसको अंदर की तरफ टर्न करते हुए आराम से स्टिच करते चले जाइए, ठीक है। तो पूरा स्टिच करके मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी लेगिंग है या ऐसे कोई ड्रेस है जो बिल्कुल भी इस पे सिलाई नहीं आ रही है सही से, तो फिर आप इस पे जिगजैग स्टिच कीजिए। जिगजैग स्टिच से सिलाई सही आती है और डिज़ाइन भी बन जाएगा। इसी तरीके से हम पूरा इसको स्टिच कर लेंगे और ये बेस्ट तरीका है जिससे आपकी बाजार जैसी लगती है। अब मैं पूरा स्टिच करके आती हूँ। मैंने एक कर लिया और इसमें से कच्चा मैं हटा दूंगी। और अगर आपको आता है स्टिचिंग करना एंड ऑल, तो आप बिना कच्चा करे भी कर सकते हो, जैसे इस वाली साइड मैंने बिना कच्चा करे ही करा है। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, अब इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि ये बिल्कुल पक्का बैठ जाए। सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे फिर हमारा ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इस वाले को आप देख सकते हैं नीचे से और ऊपर से कितना फाइन लग रहा है। अब हमारा कपड़ा जो ड्रेस है वो बेस्ट बाजार जैसे ही लगेगी। ये जो कच्चे का निशान है ये तो मैं अभी थोड़ी देर में हटा दूंगी। जाती है तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस में ऐसा पकड़ के की जाती है, जैसे कि फिर थोड़ा सा और सही ढंग से पकड़ लीजिएगा। अभी मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं दूसरा हाथ ही लगाई, नहीं तो आप दोनों हाथ लगा सकते हैं। अभी आप इसका रिजल्ट देखिए, सो दिस इज हाउ इट्स लुकिंग। मार्केट जैसा और बेस्ट तरीका ट्राउजर को या किसी भी जीन्स को छोटा करने का, ये धागा है।